लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी व कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार चुनावी सभाएं कर अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह ने गुरुवार को बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जनसभाएं की। उन्होंने अपने उद्बोधन में बीजेपी सरकार को जुमले वाली सरकार बताया। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान हमारे संवाददाता अशोक शेरा ने उनसे की खास बातचीत। लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जनसभाएं कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, आज वो हमारे साथ इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है? आपने रेस्पॉन्स देखा, जनता का जो उमंग है, उत्साह है जनता में, उसी का आधार बन रहा है चुनाव का, और मुझे विश्वास है कि ये उत्साह 29 तारीख तक रहेगा। जो जनता है वो उनके सामने किस प्रकार के आप मुद्दे रख रहे हैं जिसको लेकर वो आपको रेस्पॉन्स दे रही है, समर्थन कर रही है? हमारा हमेशा पहला मुद्दा हमेशा पेयजल का रहता है, और पेयजल की व्यवस्था सुधारनी है, जो अधूरे काम है उनको पूर्ण करना है, और पेयजल की व्यवस्था सुधरे तो हमारा जीवन भी सुधरेगा और हमारे पशुओं के लिए भी सुविधा प्राप्त होगी। 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर आ रहे हैं और उनको लेकर बहुत बड़ी सभा है, आपका क्या कमेंट? कोई कमेंट नहीं, सबका अधिकार है सभा करना। वो उन्होंने पहले भी सभा करी है और पहले भी खूब आश्वासन दिए, यहाँ के स्थानीय आश्वासन भी दिए, राष्ट्रीय आश्वासन भी दिए, उस पर कुछ काम हुआ नहीं, तो अब देखते हैं क्या नए आश्वासन देते हैं वो। क्या लगता है सर, जीत कितनी बड़ी हो सकती है? वो तो ईश्वर के हाथ में है, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये थे मानवेंद्र सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, जनता हमारे के साथ है और यहाँ की जनता है वो इनका समर्थन कर रही है। कैमरा सहयोगी तनवीर के साथ अशोक शेरा।